हेलो नमस्कार गाइज, तो स्वागत करता हूँ अनिक ब्लॉग में। सिंहासिनी धाम के जस्ट बगल में है एक दुर्गा मंदिर, और दिख रहा होगा मेरे पीछे काली मंदिर है, और एक इसके पास एक कुआं है, जो कि कुआं अपने आप में एक बहुत ही रसमयी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपको दिखाऊंगा भी। ये पीछे की तरफ दिख रहा होगा, इसके देखिए चारों तरफ का लोकेशन कैसा है। और मेरे साथ में आया हुआ है एक मेरे फ्रेंड, देखिए ये आपके चारों तरफ का गेट है, वहाँ पे मेन गेट है, और ये रहा चारों तरफ का नज़ारा। काली मंदिर है, ये देखिए काली मंदिर है, मैं आपको पास से चल के दिखाता हूँ। इसके अंदर का है, दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ का अभी मौसम का नज़ारा काफ़ी अभी कूल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ नहीं है। और हम यहाँ पे आए हुए थे, और जस्ट कुछ कारण, मतलब मेले में घूमने की वजह से, तो मैं यहाँ पे आया था घूमने। और दिख रहा होगा ये कुआँ है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो अब मैं आपको बताया था पहले ही वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस कुएं की वजह से ही मंदिर का नाम है सात कुआं मंदिर, जो कि इसको रातों रात बनाया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे, राजा महाराजा, तो उनके आने की खुशी में इस कुआं को बनाया गया था, जो कि रातों रात में ही तैयार कर दिया गया था कुआं खोद कर। ये मतलब काफ़ी पुराना बात है, हम बड़े बुजुर्गों से सुना था। तो आपको दिख रहा होगा इस नदी का, इस कुआँ का एक बहुत ही बड़ा नाम है, जो कि दिघवा काली सात कुआ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक कुआँ कभी सूखता नहीं है, बहुत पुराना एक कुआँ हो गया है, इसमें पानी ऑटोमेटिक ठंडे के दिन में नीचे चला जाता है, और गर्मी में ऑटोमेटिक ऊपर चला आता है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ काली मंदिर इसी कुएं के नाम से इसका प्रसिद्ध है, सात कुआ काली मंदिर। इसका पीछे का है, और यहाँ से भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है, और यहाँ पे मतलब शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है, देखो हॉकी के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ बनाए गए हैं, यात्रियों के लिए, मतलब जो भी यहाँ पे आए वहाँ पे आराम विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका पीछे का गेट है, ये देखिए यहाँ पे रहने वाने के लिए भी, जो कि खाना वाना बनाने के लिए जो भी आवश्यकता का सामान होती है, ये इस मंदिर के द्वारा दिया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा अंदर सब रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और जैसे यहाँ पे लोग आते हैं अपने, जैसे शादी विवाह के देखो की हो या कुछ भी हो, ऐसा प्रोग्राम जो यहाँ पर मतलब होता रहता है हरदम यहाँ पर। और इसका गैलरी है बाहर राइट साइड का, और यहाँ भी एक गेट है, देखिए पीछे का कितना प्यारा और कितना कलर में लग रहा है मंदिर। दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी है जो सात देवी का देवताओं का यहाँ पे मतलब लगा हुआ है, और एक कुआँ है। ये देखिए दूर से इसका नज़ारा, ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में ज़रूर बताएं। और बस आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।